हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन चैनल पे। और आज हम कोड ब्लॉक पे वही सारे प्रोग्राम रन कराएंगे। तो शुरुआत करता हूं मैं पहले प्रोग्राम से। तो सबसे पहले हम एडिशन का प्रोग्राम बना लेते हैं। ये सारे प्रोग्राम आप पहले भी देख चुके हैं, बहुत ही जनरल से प्रोग्राम है, आप जानते भी हैं इस चीज को। तो पहले हम, चूंकि मैं कोड ब्लॉक यूज कर रहा हूं तो इस वजह से मैं बता रहा हूं फिर से। तो हैश इंक्लूड stdio.h लिखना है हमें, stdio.h, ठीक है। फिर यहां पे हैश इंक्लूड हेडर फाइल में बना रहा हूं conio.h, ओके। देन अब क्या करना है, यहां पे लिखना है void main। मैं यहां पे void main भी लिख सकता हूं, तो यहां लिखते हैं पहले void main, ठीक है। void main लिखा, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। देन यहां पे नीचे आएंगे तो अब यहां लिखना है हमें printf, तो लिखता हूं printf, ओके, एंटर। मिनट करेंगे, देन स्कैनफ लगाएंगे, परसेंट डी एड्रेस ऑफ ए कॉमा एड्रेस ऑफ बी, ठीक है। इसके बाद सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ओके। फिर हम यहां पे प्रिंट एफ लिखेंगे, परसेंट डी इज एडिशन, ये लिखा हमने, ठीक है। यहां पे देखिए हमने वेरिएबल नहीं बनाया है, तो वेरिएबल भी बना देते हैं। यहां पे नीचे आएंगे, इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेते हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। तो यहां पे वेरिएबल भी बना दिया हमने, और ये हमने परसेंट लिख दिया। और ये कहां जाके स्टोर होगा, ये सी में जाके स्टोर होगा, तो यहां सी लिख दिया हमने, ठीक है। इसके बाद इसको टर्मिनेट करेंगे, ठीक है, डॉट सी लगाना नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ, तो यहाँ गेट सी एच भी दे देते हैं, ओके। तो गेट सी एच दे दिया हमने यहाँ पे, इट्स ओके। अब इसको करिए सेव, इट्स ओके। अब इसको यहां से करना है कंपाइल, तो ये कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं है, ठीक है। इसके बाद इसको करना है रन। तो यहाँ देखिए पूछ रहा है एंटर टू नंबर्स, तो आइए यहाँ पे दो नंबर एंटर करते हैं, देखते हैं ऐड करता है या नहीं। 45, 6, 51 एडिशन हो गया, ठीक है। अभी इसको से, ठीक है, इसको यहां से करेंगे दोबारा से रन, कंपाइल करवा चुके हैं हम पहले ही। फिर इसको रन करवाया हमने 6, 7, तो इसका एडिशन होके आ गया 13। आप देख सकते हैं कितना इजीली इस पे भी हम काम कर पाएंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोड ब्लॉक पे ही हम अब काम करेंगे, जितना भी काम करेंगे, क्योंकि अच्छा कंपाइलर है ये, टर्बो सी से बेहतर कंपाइलर ये कोड ब्लॉक है। तो उम्मीद है कि ये बात समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर